कन्नौज की जनसभा के अंदर बसपा सुप्रीमो के साथ ऐसा हुआ जिसे लोग देखकर बहुत चक्के रह गए और लोगों को अंदाजा भी नहीं था डिंपल ने कर डाला वो काम जो उम्मीद भी नहीं थी। जी हाँ, डिंपल यादव ने बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के पैर छुए और वहीं पैर छूने के साथ साथ बसपा सुप्रीमो ने भी उनको बहुत ही स्नेहपूर्ण आशीर्वाद दिया। बसपा प्रमुख मायावती ने गुरुवार को सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के लिए कन्नौज में दिल खोलकर वोट डालने को कहा और अखिलेश ने व डिंपल ने मायावती को पार्टी से बना हाथी भेंट किया। इस पर डिंपल की फोटो भी छपी हुई है। डिंपल ने बसपा प्रमुख मायावती का पैर छूकर सबको चौंका दिया। ये चौंका देने वाला वाकया तब हुआ जब डिंपल यादव और अखिलेश यादव ने बसपा सुप्रीमो को हाथी चांदी का हाथी भेंट किया जिसपे डिंपल यादव का फोटो भी छपा हुआ था और यह करने के बाद डिंपल यादव ने अपने सिर पर पल्लू रखा और बड़े स्नेहपूर्ण तरीके से मायावती के पैर छुए और उन्होंने भी स्नेहपूर्ण दोबारा से आशीर्वाद दिया। कन्नौज में बसपा और सपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा यह दिखाने की भरपूर कोशिश की गई कि यह गठबंधन सिर्फ चुनावी गुणा नहीं बल्कि पारिवारिक मिलन है जो बहुत लंबे समय तक चलने वाला है जिससे बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इन स्नेह को देखकर बहुत हैरान रह गए और अखबारों में सुर्खियों की खबर भी बनी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।